स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, धूम्रपान से कर्क रोग होता है। एक आम दिन उस आबाद देश में जहां हम रोज एक कटिंग चाय के ऊपर क्रिकेट से लेकर राजनीति तक और ईद से लेकर दिवाली तक हर चीज के बारे में बहस करते जाते हैं, और जाने अनजाने में कुछ ऐसा कर देते हैं जिसका परिणाम हमारी सोच में परे है, क्योंकि क्या फर्क पड़ता है। हर साल तकरीबन 25 लाख लोगों की मौत वायु प्रदूषण की वजह से हो जाती है, और वायु प्रदूषण के मुख्य कारण हैं गाड़ियां और कारखानों का धुआं। जब कारखानों में कूड़े और प्लास्टिक को जलाया जाता है तो उससे निकलने वाली गैस अधिक मात्रा में प्रदूषण फैलाती है। लगभग 80% भारतीय इसी प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं। ये गैस एक घने जंगल को तबाह करने की ताकत भी रखती है, लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता है। जंगल की आग सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों को भी मिटा देती है। लगभग 10 साल से अधिक प्रजातियों पर अविलुप्त होने का खतरा है, और ऐसे ही अनेक मानवीय शोषण और घटनाओं के कारण धरती का तापमान बढ़ता है और बर्फीली चोटियां पिघल रही हैं। बर्फ पिघलने के कारण पानी की सतह बढ़ती है। एक तरफ पानी की सतह बढ़ने की वजह से बाढ़ आ रही है, और दूसरी तरफ कुछ लोगों के पास पीने के लिए बूंद पानी भी नहीं। पर हमें फिर भी क्या फर्क पड़ता है। हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि हमें दो वक्त की रोटी मिलती है। सूखा पड़ने के कारण बंजर जमीन धूप इतनी तेज कि खड़ी फसल जला दी। कई शहरों में तो लोग दिन भर में 4 अलग अलग मौसम का अनुभव ले रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। बदलेगा मौसम, आएंगी बाढ़, होंगे बवंडर, होंगे तूफान, मुश्किल में होगा सारा संसार। सुन के मन क्यों इतना डरता है? पर हमें क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? समझे हो समझ जाओ, यही कहोगे ना। करोगे और करके दिखाओगे, ये कब सुनेंगे आप? बदलाव लाने के लिए हर एक बदल सकता है, क्योंकि हमें फर्क पड़ता है।